नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाम पार्ट के बारे में। दोस्तों जाम पार्ट अधिकतर लोगों के बीच में से क्रैक हो जाता है, पूरा चलता नहीं, बीच में साल भर में चलता है, आधा पार्ट घिसता है, आधा पार्ट घिसने के बाद क्रैक हो जाता है। क्रैक होने के कारण दोस्तों बीच में से फट जाता है और अपन उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है, वो कारण आज मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं, जो चक्की और पार्ट के बीच में जो गैप रहते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली गैप, जो ये गैप रहती है ना दोस्तों, इसमें नमी के कारण, धान में नमी के कारण रोज आटा इकट्ठा हो जाता है। तो आटा रोज ठंडा गर्म हो जाता है और उसमें वाष्पीकरण के कारण नमी आ जाती है। तो नमी इसके पार्ट के ऊपर जमती है ना, इससे वो पार्ट गर्म होता है और क्रैक होने की समस्या पैदा करता है। उसके लिए अपने को क्या उपाय करना है, मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए अपने को एक पुरानी बोरी लेना है, काठ वाली बोरी जो कि नमी सोख ले। इस प्रकार ये बोरी है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, पूरी बोरी रहती है, उसका एक हिस्सा है। तो उसका अपन दो भाग करेंगे, इस प्रकार इसका बराबर में दो भाग कर लेंगे। दो भाग कर दी, इस प्रकार दोनों भाग बराबर करने के बाद इसको काट लेंगे। इस प्रकार काटने के बाद इसके दो हिस्से हो जाएंगे दोस्तों, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। इस तरफ इस प्रकार मोड़ेंगे दोस्तों, ताकि ये बाहर ना आए। जो बीज की जगह थी वो पूरी तरह सुरक्षित हो गई। अब तो दोस्तों इस प्रकार हमने टाट की बोरी पूरी तरह अंदर लगा ली है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ये पूरी तरह जो गैप थी उसमें सभी जगह अपनों ने बोरी को अंदर लगा दिया है, जिससे धान में नमी होती है ना, वो नमी ये टाट की बोरी सोख लेगी।